ब्रीडिंग बुल जो बछड़ियां जो दुधारू बछड़ियां लेने वाले लोग, उसका जो बैक साइड जो है यहाँ से ये साइड एकदम हैवी होनी चाहिए। पूंछ से थोड़ी मोटी होनी चाहिए, नीचे से पतली होनी चाहिए और टेस्टिकल थोड़े मतलब यूं थोड़े ब्रॉड होने चाहिए और ज्यादा नीचे नहीं होने चाहिए। दुर्ग सिंह भाटी जी हैं और ये थारपारकर जो नस्ल है उसके युवा ब्रीडर हैं। थारपारकर का नंदी कैसा हो, कोई और भी नंदी कैसा हो, उसके बारे में ये हमें बहुत ही आज महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो दुर्गेश भाई कैसा होना चाहिए एक नंदी? मैं यहाँ की जो मूल नस्ल है थारपारकर उसके विषय में कुछ एक बात कहूँगा। कोई मैं ज़्यादा बड़ा ब्रीडर तो नहीं हूँ, मैं ना ब्रीडर मानता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग बहुत आगे पहुँच चुके हैं। तो जो थारपारकर का नंदी होना चाहिए तो जो पीछे से जो दो उसके जो पुट्ठे होने चाहिए वो थोड़े हैवी होने चाहिए, आगे से वो थोड़ा झुका हुआ होना चाहिए। जो उसकी जो जो हम्प और उसकी जो बैक होती है उनके बीच में कम से कम काफ़ी मतलब स्पेस होना चाहिए। तो मैं एक काम करते हैं, हम उधर ही आपका जो नंदी है जी, उसके साथ जाके थोड़ा सा लाइव अगर डेमो दिखाएंगे तो वो हमारे जो गोपालक भाई हैं जो किसान हैं, जो हमारे और भी दर्शक हैं जो माटी इंडिया को चाहते हैं उनको समझ में आए, तो वो लाइव डेमो हम दिखाएंगे कि क्या आप उसके स्पेसिफिकेशन उसके जो पूरा गुण है कैरेक्टरिस्टिक पर बात करेंगे। ये जो 3602 नंदी है एलआर स्टैंड लाइव स्टॉक रिसर्च सेंटर चांदन का है। और एक जो बुल में जो मुख्य बात होती है उसका जो पुट्ठा होता है, जो मतलब ब्रीडिंग बुल जो बछड़ियां जो दुधारू बछड़ियां लेने वाला जो बुल, उसका जो बैक साइड जो है यहाँ से ये साइड एकदम हैवी होनी चाहिए। और उसके जो ये हम्प है हम्प से लगाकर और ये जो साइड है ये पूरी लंबी होनी चाहिए, तकरीबन लगभग 4 ब्लॉक के आसपास होनी चाहिए। अच्छा, तो ये इसमें तो वो मुझे परफेक्ट नजर आ रहा है वो। हाँ, ये लगभग 4 ब्लॉक के आसपास है। अच्छा अच्छा, तो और आप और क्या बताएंगे कि इसका जैसे आपका ये नंदी है इसका वजन कितना है और ये कितनी उम्र? ये अभी अंडर ग्रोथ है। अच्छा। ये 3 साल का है। हाँ। और ये 5 साल तक जब होगा तो 5 साल तक होगा तो 5 साल अपनी मतलब पूरी वजन ये गेन करेगा। तो इसका क्या नाम है? इसका नाम तो अभी नंबर ही रखा नहीं है। अच्छा अच्छा, बस यहाँ नाम की तो परंपरा नहीं है, इसको हम खजला कजला कजला ही कहते हैं, मारवाड़ी नाम है। अच्छा, कजरा कजरा कहते हैं, कजरा थोड़ा हिंदी हो गया, कजला यहाँ थोड़ा यहाँ का मारवाड़ी नाम है। तो थोड़ा सा ये पूंछ से भी कुछ, पूंछ से थोड़ी मोटी होनी चाहिए, नीचे से पतली होनी चाहिए और ये अभी थोड़ी क्या खा ली इसने गायों ने बाकी होने बाकी ये पूंछ थोड़ी मतलब इसकी एडी को टच करती होनी चाहिए। अच्छा, और टेस्टिकल थोड़े मतलब यूं थोड़े ब्रॉड होने चाहिए और ज्यादा नीचे नहीं होने चाहिए। अच्छा अच्छा, तो आप जो लोग भी भाई देख रहे हैं कि कैसा नंदी हो कैसा ब्रीडिंग में इस्तेमाल करना चाहिए वो हमारे इस बुल को देख सकते हैं जी। ये एकदम तैयार नंदी है और इसका इसका मिल्क रिकॉर्ड इसका थोड़ा सा प्रोजेनी के बारे में थोड़ा सा बताएं। इसकी जो माँ है उसने 9.5 किलो एक टाइम का दूध दिया है। जो चांदन फार्म की जो 835 नंबर की गाय थी वो रिकॉर्डेड है। और जो इसकी जो इसका जो फादर है 3132 उसकी माँ श्री भरत सिंह जी राजपुरोहित उनके पास ही थी। अच्छा, और वो सब उस गाय को तब कौन नहीं जानता, सभी जानते उस गाय को, उसने 25 लीटर दूध दिया था दोनों टाइम का। तो अभी कुछ रिजल्ट अभी 3 साल का पूरा हो चुका है, कुछ रिजल्ट भी आ चुके हैं। अच्छा, और बाकी एक बुल में जो पीछे से बुल ब्रॉड होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, आगे से थोड़ा कम होना चाहिए और जो उसके हम्प और उसका जो बीच में जो बैक होती है उसके जो बीच का जो स्पेस होना चाहिए वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। लगभग मतलब यूँ कोई परफेक्शन में नापते तो नहीं है लेकिन ये ब्लांत जो एक यूँ ब्लांत के आसपास नापते हैं तो 4 ब्लांत के आसपास होना चाहिए। और हाइट थारपारकर में लगभग 51 इंच के आसपास 51-52 के आसपास होनी चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी जानकारी है और मुझे लगता है ये उपयोगी जानकारी बहुत सारे और यंग ब्रीडर के लिए जो थारपारकर नस्ल पर काम करना चाहते हैं उनके बहुत काम आएगी। और माटी इंडिया में भाई साहब हम आपको जैसलमेर की धरा पर आप आए, आप अपना इतना ज़्यादा समय निकाल कर यहाँ तक आए भरत सिंह जी, और हम आपको दोनों को बहुत बहुत माटी इंडिया को दोनों को बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जिस प्रकार जो सिरोही में हमने आपकी यात्रा देखी यूट्यूब के माध्यम से, हम आपको देखते रहते हैं, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप इस प्रकार आके गोपालकों से मिल रहे हैं। आप और भी गाँव गाँव जाइए और हमारा
आपकी हमें आपकी गोराष्ट्र यात्रा सफल हो और हमारी यही शुभकामनाएं। हमारा मकसद भी यही है भाई कि हम उन बड़े बड़े जो ब्रीडर हैं जो बहुत बड़ा स्तर पर काम करते हैं, हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि वहीं तक हम सीमित रहें, बिल्कुल छोटे छोटे जो स्तर पर भी काम करते हैं हमारा मकसद यही है और इसीलिए आज हम आपके पास आए हैं। आगे आप जहाँ सिरोही में जिस प्रकार से दिन आम लोगों से मिले जी और आप आम से मिलिए, आप विशेष से मिलिए, विशेष से आप प्रेरणा ले पाएंगे जी, आम को आप प्रेरणा दे पाएंगे जी जी, ताकि दोनों ही जी ताकि एक निचोड़ निकले कि आखिर हमारी इस गौराष्ट्र यात्रा का जो एक कंक्लूजन है, जो एक मकसद है, वो कितना इस राष्ट्र के काम आता है, कितना गौ संवर्धन के काम आता है, कितना गौ माता के काम जी। जो थारपारकर नस्ल है इसमें अभी आप कुछ बड़े फार्म नहीं देख पा रहे होंगे जी जी जी, सरकारी फार्मों के अलावा जी, कुछ जी। नाम है शायद भरत सिंह राजपुरोहित जी का वो जोधपुर फार्म, राकेश निहाल जी, तो ये दो तीन फार्म ही होंगे जो प्राइवेट फार्म होंगे जी जी जी। तो अभी जिस प्रकार से हरियाणवी नस्ल में जितेंद्र यादव जीतू जिन्हें आप जानते होंगे, तो साहिवाल में शायद चिन्मयानंद जी वाली कामधेनु गौशाला, और गिर में तो काफी पूरा गिर में तो गुजरात पूरा ही है, परम पूज्य बापू जी श्री राघवेंद्र सिंह जी, काफी नाम है, काफी नाम है। थारपारकर में अभी नाम उभर के आ रहे हैं जिस प्रकार भाई साहब हैं, राकेश निहाल हैं, और भी काफी नाम है। थारपारकर पर जो थोड़ा सा जागृति बढ़ी है, जागृति बढ़ी है, हम चाहते हैं कि ये नंबर और भी ज्यादा ब्रॉड हो जी जी। और भाई साहब श्री भारत सिंह जी और हम आपको भी विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं कि मूलतः उत्तराखंड जो पहाड़ी क्षेत्र से इस प्लेन रेगिस्तान में आके हम सबके बीच में आए हैं आप, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और हमारे से गाय के लिए आप जितना भी सहयोग चाहेंगे, हम जितना हमारा सामर्थ्य उस हिसाब से हम तैयार हैं, हम आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।